इस फास्ट मूविंग लाइफ में हम लोग अक्सर अपने काम और दौड़ भाग के बीच अपनी हेल्थ को टाइम देना भूल जाते हैं, और उसी वजह से आपने भी नोटिस किया होगा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी बढ़ गए हैं हमारी लाइफ्स में। आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे हम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को सुनते हैं, और इन्हीं को ट्रीट करने के लिए, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, आपको ईज देने के लिए शुरुआत हुई अब्डोमिनल कैंसर डे की। और इसकी शुरुआत जिन्होंने की, द फाउंडर ऑफ अब्डोमिनल कैंसर डे, डॉक्टर संदीप जैन, आज हम एक खास बातचीत सर से कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैंसर जो है उसके लक्षण क्या रेगुलर गॉल ब्लैडर से अलग है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाला सवाल है ये। लोगों को ये लगता है कि शायद कैंसर होने के लिए कोई खास किस्म का सिम्टम होगा, कि अगर ये सिम्टम होगा तो मेरे को कैंसर है, ये सिम्टम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि पेट के जितने कैंसर्स हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसके लक्षण कोई कैंसर स्पेसिफिक नहीं है, वो उतने ही वेग हैं। वो सिम्टम्स गॉल ब्लैडर की पथरी में भी हो सकते हैं, ये मांसपेशियों के दर्द में भी हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर के चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो चाहे गॉल ब्लैडर कैंसर हो, लक्षण सेम। क्या लक्षण है? पेट में दर्द, कमर में दर्द का जाना, पीलिया होना, भूख ना लगना, वजन कम होना, एसिडिटी होना, यही सब। किसी किसी में एडवांस हो जाता है, गॉल ब्लैडर एडवांस हो जाएगा स्टोन नीचे जाके तो जॉन्डिस हो जाएगा, कैंसर फैल जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे को लक्षण कैंसर का है या बिना कैंसर का। कोई भी लक्षण अगर 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है तो वो एक संभावित कैंसर की वजह से हो सकता है। अब क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी है तो अगर उसकी 1% भी संभावना है तो आप हम अपनी संभावना के उस पर जान तो नहीं दे देंगे, तो हमें डर के रह के हम उसे कवर करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये जो लक्षण है, हमें एज अ पेशेंट ये नहीं सोचना है कि ये लक्षण स्टोन के हैं कि कैंसर के हैं। लक्षण है मतलब किसी बीमारी के हैं, बस डॉक्टर के पास टाइम पे पहुंच जाओ। अगर स्टोन होगा तो उसका समय पे इलाज हो जाएगा, अगर कैंसर होगा तो उसका भी समय पे इलाज हो जाएगा। सो यू आर ट्राइंग टू से कि अगर कैंसर है तो वो भी ट्रीटेबल है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। मैसेज ये है, कैंसर इज अ ट्रीटेबल डिजीज 1, एंड कैंसर इज डेडली डिजीज ऑल्सो 2, बोथ आर ट्रू। और ये दोनों बातें हर बीमारी पर लागू होती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आदमी मर नहीं सकता? और कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी बच सकता है। सिर्फ फर्क बाकी बीमारियों और कैंसर में क्या, इसमें हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी होती है। इसमें अगर हम 1-1.5 महीने के अंदर बीमारी पकड़ के इलाज ना कर दें तो वो लास्ट स्टेज में फैलने का बहुत रिस्क है, जिसमें कुछ नहीं करा जा सकता। इसलिए कैंसर में ये लोग क्या करते हैं, कैंसर से डर लग रहा है इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, उल्टा होना चाहिए। वो एक प्रीकंसीव्ड नोशन है, कैंसर इज अ वेरी हाई प्रॉब्लम ना, इतना डर लोगों में कैंसर शब्द से है कि वो अगर जल्दी आ जाएंगे तो शायद आसानी से उन्हें उसका। नेचुरली, पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग डरते भी ज्यादा इस बीमारी से और इसके लिए आते भी नहीं समझ रहे, इसके ट्रीटमेंट लेने से भी डरते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी लक्षण, कोई भी हो, आप ये मान के चलो कि ये लक्षण 100 में से 1% कैंसर की वजह से हो सकता है, तुरंत आओ ना। अगर कैंसर है, भाई मान लेते हैं घर में आग लग गई, वापस वही उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या आप इस डर से फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाओगे कि पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा? जैसे ही लगे आग लग, धुआं भी आ रहा है तो हम फोन कर देते हैं। ये लक्षण मीन्स धुआं, स्मेल धुएं की, धुआं भी नहीं कि लक्षण मतलब धुएं की स्मेल भी आ गई कि कुछ तकलीफ हो रही है, आई एम नॉट नॉर्मल, गो टू डॉक्टर एंड गेट रिड ऑफ इट। गलती से वो कैंसर निकल आया तो ट्रीट हो जाएगा, राइट। और जितना जल्दी हो जाएगा उतने कम कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में और आगे की आपकी लाइफ के लिए डेफिनेटली। कैंसर गॉल ब्लैडर में ये है, जैसे हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, 1, 2, 3, 4, तो पहली 2 स्टेज में अगर आ जाए तो पूरा क्यूरेबल है सिर्फ सर्जरी से। थर्ड स्टेज में आए तो हमें उसे पहले कीमोथेरेपी देके छोटा करना पड़ता है, फिर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, पूरा कैंसर गॉल ब्लैडर का, पूरी कैंसर की थैली और जिस जिस अंग में उसके होने की संभावना होती है, थोड़ा सा लिवर का पार्ट, थोड़ा सा आसपास का टिश्यू, ये सब निकाल देते हैं और फिर उसके बाद बचा हुआ कीमोथेरेपी करते हैं। लेकिन जो 4th स्टेज है लास्ट, उसमें कुछ नहीं इलाज, उसमें सिर्फ हम कीमोथेरेपी देते हैं कुछ महीने इलाज बढ़ाने के लिए, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम उम्र होती है। फोर्थ स्टेज आने से पहले अगर स्टेप्स ले लिए जाएं तो इट इज। और आप मानोगे नहीं, इतना दुख होता है कि मरीज बहुत सारे, हमारे पास 70% मरीज ऐसे आते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के जिनको पता है कि उनको स्टोन है महीनों से, सालों से। कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं जिनको मैं ही समझा चुका होता हूँ 4 साल 10 साल पहले, जो वो मुझे बताया, डॉक्टर साहब आपने तो बोला था ऑपरेट करा लो, हमने कराया नहीं, अब हमें कैंसर हो गया, और उनमें से 70% लाइलाज होते हैं।
दूसरा ये कैंसर अब यंगर एज में आना था। अभी मैंने वर्ल्ड, मतलब मुझे नहीं मालूम वर्ल्ड का पहला कि नहीं, मुझे अभी तक एविडेंस नहीं मिला, 7 साल के बच्चे में कैंसर गॉलब्लैडर का ऑपरेशन किया। इमेजिन 7 साल के बच्चे में। तो किसी जमाने में ये बीमारी बुढ़ापे की बीमारी होती थी, 60-50 से ऊपर। अब ये बहुत यंगर, हम आप ये हम दो तीन लोग जितने व्यूवर्स हैं, एज इज नॉट अ क्राइटेरिया, किसी को भी हो सकता है। इसलिए होएगा कि नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस स्मेल का पता होना चाहिए कि अगर ये स्मेल आ जाए तो डॉक्टर के पास जाना। तो वो अर्लीस्ट सिम्टम आते ही चले जाओ। टेस्ट में कुछ नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात है, यू विल बी रिलैक्स। बट वो अभी साइकोलॉजी लोगों की अब चेंज होने लगी है, बिकॉज इतना ज्यादा सीरियस ये चीजें, क्योंकि बढ़ इतना फ्रीक्वेंसीज रहा है आसपास। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल दी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। लाइक आई मेंशन कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग कि लोग अवेयर हों और अवेयरनेस से अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा से ज्यादा कॉशियस हों। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब्डोमिनल कैंसर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है हम कोशिश करेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाते रहें। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स। आई एम जिया इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप। थैंक यू। थैंक यू।